तो यार ये सीटी आप सोच रहे होंगे ये किसके लिए है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यार ये इस पिंजरे के लिए है जो ऊपर ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको लेके आते हैं, इसको ठीक करते हैं, इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें ला के डालेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे माइंड में तो एक दो चीज़ें हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस केज में कौन सी चीज़ें प्यारी लगेंगी। तो इसको सेट करते हैं, तो फिर देखते हैं हमारे नसीब में क्या है और इस पिंजरे में हम क्या रखेंगे। तो यार ये आ गई इसकी पहली शीट, माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये आ गई इसकी दूसरी शीट, तो वाह यार काफ़ी प्यारा लग रहा है। बस जल्दी से आप इसको किलो से हम जोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या है मेरे दोस्तों के करियर से होंगे। चैनल पर मेरे नया चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो अपने एंड तक देखनी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यार साइड चेंज कर दिया है क्योंकि ग्रीन हम अंदर रखना चाह रहे हैं, तो वाइट बाहर भी सही है। तो ये भी हम नाप करेंगे, ये हो गया। इधर से यार टूटा हुआ नानू, ये देखो ना, हाँ वैसे भी ये नीचे, मतलब नीचे वाली साइड है ना, तो इतना नहीं होगा इशू। तो यार ये आप यहाँ से कितनी जल्दी काट भी दिया, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको तो। ये हो गया, रानी को पता नहीं क्या हो रहा है। ये हो गया, मैंने कहा बहुत हार्ड होगा लेकिन ये तो हल्का ऐसा ही है, देखो कट गया अच्छी बात। तो यार ये कील एक लग भी गई है, तो इस तरह आप कीले मारते जाएंगे सारी तरफ। तो बस इतना सा काम था यार, हम समझ रहे थे पता नहीं कितना एक लंबा काम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा काम था। वाह नानू ने तो बिल्कुल, वो जिससे प्रोफेशनल नहीं होते नीचे गत्ते छत्ते रखे हैं, वीआईपी काम हो रहा है। चिंटू सुबह से इतना शोर कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, क्या पता रात को बिल्ली वगैरह गुजर गई हो पास से, इतना शोर कर रहा है। जब इसके पास आके बैठे होता भाग के चुप होता है। तो बाकी सारा सेटअप दाना वगैरह इनको डाल दिया था। तो यार पहले मेरे माइंड में था कॉकटेल को ना इस केज में शिफ्ट कर दे, जो नया हमारा तैयार हो रहा है, लेकिन वो उस केज में प्यारे भी लगते हैं, खुश भी हैं, और रानी ने अंडे भी दे दिए हैं, रानी फ़ौरन बाहर निकल आई है, तो चेंज नहीं करते। ये वैसे ही मुझे पिंजरा बहुत प्यारा लगता है, पहले मैंने कहा इसमें बजीज रखूँगा, लेकिन बजीज तो चेंज कर लिए, फिंचीज इसमें नहीं रख सकते, फिंचीज इसमें नज़र ही नहीं आएगी, बहुत छोटा है, बहुत छोटी होती है फिंचीज यार, पिंजरा माशाल्लाह बहुत बड़ा है। सब्सक्राइब करो आप, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दो ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो ताकि आपको पता चल जाए कि अगली हमारी सेटअप पर कौन सी नई चीज़ आ रही है। तो यार ये देखें माशाल्लाह पिंजरे को उठाया तो बहुत प्यारा लग रहा है, बस आप इसको बिल्कुल पक्का कर देते हैं ताकि शीट्स इसकी हिले ही ना बिल्कुल। तो यार ये देखें यार नानू ये घास भी ले आई थी, तो ये घास इधर से मिलते नहीं है यार, पता नहीं नानू कहाँ से ले आई हैं। तो फिंचीज को डाला है, तो माशाल्लाह उठा के फिंचीज अपने अपने ना घर में ले गई। ब्रीड अब तो ब्रीड कर दो फिंचीज, अब तो नेस्टिंग मटेरियल भी है, खाना भी अच्छा है, घर भी अच्छा मिल गया, हवा। तो यार उम्मीद पूरी पूरी है यार इंशाल्लाह के एक दो दिनों में ये नेस्ट बना के ना, तो ब्रीड इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगी। ये हमारा लालू, मैं प्यार से लालू कहता हूँ, तो आप जो भी कहना चाहो कह लो, ये बस खाता है और सो जाता है। तो यार रानी बेचारी ना ये देखें शोर से डर के बाहर निकल रही है बॉक्स से, कोई नहीं रानी, बस तकरीबन 15 मिनट दे दो, उसके बाद पिंजरा ठीक हो जाएगा, फिर आप मज़े से ना अपने अंडे इनक्यूबेट करना, ठीक हो गया। तो यार अब थोड़ा सा इशू ये आ गया कि पिंजरा थोड़ा ना पुराना है, लकड़ी मतलब, तो हैंग नानू कह रही है नहीं होगा, हैंग करने के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि नीचे अगर करेंगे तो बिल्ली वगैरह भी नाजुक सी जाली है यार, इसका कुछ और जुगाड़ करते हैं ताकि इसको हैंग भी हम कर सकें। तो गाय जा रही है देखें पूरा पिंजरा टूट गया है, जितनी मेहनत की थी सारी बेकार, ये देखें पूरा पिंजरा खुल गया वो। तो यार ये जो शीट है ये थोड़ी पतली है, तो कील ना इसको ग्रिप नहीं कर पा रही, देखते हैं कोई और जुगाड़ लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे इसको। तो गाय जा रही है जुगाड़ लगा है, बैनर इस पर लगा रहे हैं ताकि शीट को थोड़ा सा ना ग्रिप हो जाए। तो यार देखते हैं ये आइडिया कामयाब होता है या नहीं, अल्लाह करके हो जाए। तो यार पापा भी आ गए हैं, नानू और पापा मिल के कोई जुगाड़ लगाएंगे तो ठीक इसको करेंगे, तो ठीक किए बगैर हमने भी नहीं इसको अब छोड़ना।
तो यार फाइनली जुगाड़ लग गया है, तो बस अब सारा पिंजरा ठीक करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि जुगाड़ क्या लगा, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप पिंजरा फाइनल लुक कैसा दे रहे हैं। तो गाइस यार ये फाइनली लग गई है फटियाँ, ये बजीज के पड़े हुए थे हमने जुगाड़ लगाया, ये एक लग गई और इसको ना कॉपर वायर से ये देखिए बांध दिया। तो अब थोड़ा सा गैप है इसमें से, इंशाल्लाह जो चीज़ रखेंगे नहीं निकलेगी। बस फाइनल हो गया पिंजरा, आप सीधा करते हैं इसको, सीधा करो फाइनल लुक। तो ये चेक करें माशाल्लाह, फाइनल हो गया यार, शुक्र है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल स्मार्ट शॉट्स को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, लाइक और सब्सक्राइब मस्त। तो यार फाइनली हमने पिंजरा ठीक कर लिया, तो इंशाल्लाह एक दो दिनों में लाजमी हम इसमें कोई ना कोई बर्ड ला के डाल देंगे। लाइक और सब्सक्राइब मस्त, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिसने सब्सक्राइब किया हुआ थैंक यू सो मच। तो अगले ब्लॉग के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तो अगले फिर मान अल्लाह।